कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन लंबा खिंचता देख किसानों ने अब टीकरी बॉर्डर पर पक्के मकान बनाना शुरू कर दिए हैं। कई जगहों पर ईंट और सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है तो कहीं मिट्टी से ईंट की जोहड़ की जा रही है। करीब दर्जन भर पक्के मकान बनकर तैयार है जिनकी छत छप्पर की है। ऐसे मकान बनाने को लेकर कोई मौसम का हवाला दे रहा है तो कोई बता रहा है कि जिन ट्रोलियों में अब तक उनका आसरा था उसको अब गांव भेजा जा रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों पर बोरवेल लगाने व पक्के निर्माण को लेकर प्रशासन ने FIR दर्ज करवाई है। टीकरी बॉर्डर पर किसान भीषण गर्मी से बचने के लिए हाईवे पर पक्के निर्माण कर रहे हैं। पीने के पानी की दिक्कत ना हो उसके लिए अवैध बोरवेल लगा रहे हैं जिसके बाद प्रशासन किसानों के इस बारे में सख्ती करने के मूड में है। बहादुरगढ़ SDM के अनुसार किसान नेताओं से बोरवेल व पक्के निर्माण नहीं करने को लेकर सहमति बनी थी लेकिन उसके बाद भी किसान बोरवेल व पक्के निर्माण कर रहे थे जिसके बाद बहादुरगढ़ के सदर और सिटी थाने में दो किसानों पर FIR दर्ज की गई है। कल किसानों द्वारा जब पक्के निर्माण को रोकने पुलिस टीम गई तो उनका घेराव कर हंगामा करने की कोशिश भी की गई। अगर भविष्य में कोई किसान बोरवेल व पक्का निर्माण करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बहादुरगढ़ SDM हितेंद्र ने बताया कि टीकरी बॉर्डर पर प्रशासन ने किसानों पर अवैध बोरवेल व पक्के निर्माण को लेकर सदर व सिटी पुलिस स्टेशन में दो किसानों पर FIR दर्ज करवाई गई है। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए बिजली और पानी की व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर करवाई जा रही है। किसानों ने अवैध बोरवेल रोकने गए प्रशासनिक अमले का कल घेराव भी किया। प्रशासन की तरफ से किसानों को हिदायत दी गई कि अगर किसान अवैध बोरवेल व पक्के निर्माण करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।